हेलो गाइस, वेलकम टू फिनिक्स लूप, जहां हम फंसेंगे लूप में। ओके सॉरी, मेरा मतलब जस्ट टू ब्रेक इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट। तो हेलो गाइस, डार्क से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका वेलकम है। ये सीरीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इंसान तो इंसान, ऑब्जेक्ट भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी इतना माथापच्ची तरीके से कि कुछ कहना नहीं। तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट का हम आज पीछा करेंगे, जिसका नाम है सेंट क्रिस्टोफर्स पेंडेंट, जिसे कि पूरी सीजन में अलग अलग लोगों ने लेकर घूमा, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि आपको पता है Anfang ist das Ende. तो चलिए एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं। टिक, 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 टिक। सबसे पहले पेंडेंट हमें 1954 में दिखता है, जहां हैना आंटी टाइम ट्रेवल करके 2020 से चली जाती है और ईगन चाचा उन्हें ये पेंडेंट गिफ्ट करते हैं। समझ रहे हो आप? लेकिन फिर वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और हैना एबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे 12 साल की हेलेन मिलती है, जिसके खूबसूरत प्रवचन सुनने के बाद हैना आंटी एबॉर्शन का प्लान ड्रॉप कर देती है और खुश होकर अपनी पेंडेंट हेलेन को दे देती है। हेलेन उसे उठाकर पहन लेती है और तब तक पहनी रहती है जब तक कैटरीना, जो कि उसी की बेटी होती है और विंडन केव से 2020 से ट्रेवल करके आई होती है, अर्लिक और माइकल को वापस लेने, लेकिन सारी मेहनत आखिर में होती है बर्बाद जब कैटरीना को हेलेन से की कार्ड चुराना होता है, अर्लिक दादू को चुराने के लिए। की कार्ड चुराने के चक्कर में हेलेन उसे डेविल समझ के जान से मार देती है। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा? लेकिन इसी छीना छोरी में पेंडेंट सैंड में गिर के दब जाता है और 32 ईयर्स के बाद इसी जगह पे मार्था जोनस, मैग्नस फ्रांसिस का और बारतोस मजे करने के लिए आते हैं। समझ रहे हो आप? जब मार्था और जोनस बातें कर रहे होते हैं तो सैंड में उन्हें ये पेंडेंट मिलता है, लेकिन जोनस वो पेंडेंट मार्था के पास छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उसी वक्त थोड़ा ओल्डर जोनस, जो कि मिकेल को सुसाइड से रोकने आया था, वो मार्था के अंदर फीलिंग जगा के चला जाता है। ये फीलिंग वो इवनिंग में फिर पुराने जोनस में जगा देती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। लेकिन उस बेचारी की को तो कुछ पता भी नहीं था। फिर मार्था पेंडेंट उसे दे देती है, तो क्या बस हो गया? ये तो बस शुरुआत है, अभी दिमाग को और पेलेंगे। इसके बाद हम 2053 में जोनस के पास पेंडेंट देखते हैं, जो कि उसने अपने घर से लिया था जब वो टाइम ट्रेवल करके 2053 में जाता है, लेकिन मेकर्स को इतना मंजूर नहीं था। उसके बाद इन लोगों ने एक और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट घुसेर दिया, स्प्लिट रियलिटी और क्वांटम इंगेलमेंट पोजिशन। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। जिसका यूज़ ईवा एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए करती थी जब एपोकैलिप्स के टाइम कुछ सेकंड्स के लिए लूपहोल क्रिएट होता था। इसकी वजह से दोनों वर्ल्ड में दो रियलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फर्स्ट रियलिटी में मार्था के मरने के बाद जोनस बंकर में चला जाता है और एपोकैलिप्स सर्वाइव कर जाता है और पेंडेंट अपने पास रखता है नेक्स्ट 33 इयर्स के लिए। क्लॉडिया से मिलता है और फिर वापस आकर पेंडेंट को मार्था के पिलो पे रखता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि जोनस जिंदा है और स्ट्रेंजर ही जोनस है। दोनों मिलते हैं, लेकिन कैटरीना के आते ही मार्था पेंडेंट वहीं पे छोड़ देती है और पेंडेंट फिर स्ट्रेंजर जोनस के पास रह जाता है, जब तक कि वो बूढ़ा होकर एडम बनता है। वही दूसरी रियलिटी जिसमें जोनस को अल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था बचाती है, वो भी पेंडेंट अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसे गोली लग के मरने वक्त पेंडेंट येलो जैकेट वाली मार्था को दे देता है। पर यही मार्था के वर्ल्ड में भी रियलिटी ब्रेक होती है और फर्स्ट रियलिटी जो कि मार्था के वर्ल्ड में होती है, उसमें पेंडेंट मार्था अपने पास तब तक रखती है और पहने रहती है जब तक कि एडम उससे
प्रिजन में बंद करता है और गॉड पार्टिकल से आखिर में मारने से पहले वो उससे वो पेंडेंट ले लेता है। लेकिन दूसरी रियलिटी जिसमें मार्था जोनस को रेस्क्यू नहीं करती, उसमें पार्टोस उसे ईवा के पास ले जाता है। पेंडेंट उसके पास ही रहता है जब तक वो ईवा बनती है, और इस तरह सीजन एंड तक एडम के पास दो पेंडेंट, ईवा के पास एक पेंडेंट, और साथ ही यंग जोनस और मार्था जो कि ओरिजिन वर्ल्ड में लूप ब्रेक करने के लिए गए होते हैं, उन दोनों के पास भी एक एक पेंडेंट होता ही है। और इस तरह एक टाइम पे पांच पेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो राइटर ने लोगों के दिमाग के साथ बहुत बुरा खेल खेला है, लेकिन आखिर मज़ा तो ऐसे ही सीरीज या मूवी को देखने का आता है जहाँ दिमाग की डैश 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 हो जाए। समझ रहे हो आप? सो थैंक यू गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आई विल गेट बैक सून।